सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। मैं आता राष्ट्र रविंद्र के का, मैं श्रीमान अवधूत जी का जिनसे निवेदन करता हूँ कि वह समारोह को संबोधित करें। Overwhelmed. Happy is a very small word. Overwhelmed. Standing in front of Sangha. Well, a dream. It was my dream. There are certain colleges, universities, campus. When you go there as a speaker, I was saying to this gentleman there, it's a privilege which is a bigger privilege than becoming an IAS officer. So I will be, And first of all, I am thankful to Pawar sir and all the management authority present here who gave me the chance to speak here. But before I start speaking on Lokmanya Tilak and M.C. Ranganathan and Baba Saheb Ambedkar and all, I'll have some discussion with you people. You all are from political science stream. Yes? Second is economic unity. Ab jab German parliament ban gaya, so Prussia, the German state, usne ek nayi cheez bana di. Sorry. You're getting what I'm saying? Economic unity. फॉर्मल पॉलिटिकल यूनिटी थी, प्रशिया ने जोल्वरेन क्रिएट कर दिया। जोल्वरेन, आज आप विकिपीडिया में टाइप करिएगा जोल्वरेन, 38 स्टेट्स। इफ यू आर टेकिंग अ कमोडिटी फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट एंड द कमोडिटी पासेस 10 स्टेट्स, इट हैज टू पे कस्टम ड्यूटी 10 टाइम्स। तो मान लो पूना में किसी चीज लोहे की कीमत है 10 रुपए पर केजी, और पुणे से जब वो चल रहा है मुंबई की तरफ, तो रास्ते में जितने स्टेट हैं सबको कस्टम ड्यूटी देते जा रहा है। He's paying custom duty to every state. तो जब वो पुणे से मुंबई पहुंचा, तो वही लोहा जो यहां 10 रुपए केजी था, वो वहां बन गया 150 रुपीज पर केजी। और रॉ मटेरियल महंगा होगा तो फिनिश गुड भी महंगा होगा, होगा ना? दैट विल हैम्पर व्हाट? ट्रेड एंड कॉमर्स। प्रशिया ने जोल्वरेन बनाया। जोल्वरेन मीन्स कस्टम यूनियन। अब 38 स्टेट्स में जितने गुड्स घूमेंगे वो एक ही बार कस्टम ड्यूटी देंगे। क्या हुआ उससे? व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट? बिकॉज ऑफ दैट ट्रेड एंड कॉमर्स गॉट प्रमोशन इन जर्मन स्टेट्स। ट्रेड एंड कॉमर्स गेव प्रमोशन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गेव द मैसेज टू जर्मन पीपल कि पॉलिटिकल यूनिटी विल लीड टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ जर्मन स्टेट्स। फॉर्मूले हैं, वो कभी नहीं चेंज होंगे, इसलिए हम इसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। चार रिक्वायरमेंट होती है फॉर अ कंट्री टू बिकम अ नेशन। पहली पॉलिटिकल यूनिटी, सेकंड इकोनॉमिक यूनिटी, थर्ड सोशल यूनिटी। भाई अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी चीज हमें दी वह है सोशल यूनिटी। आप मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री पढ़ो, दादू, कबीर, नानक, रैदास, ये सारे के सारे लोग हाथ जोड़ रहे हिंदुस्तान के लोगों से कि भैया कास्ट सिस्टम छोड़ दीजिए। नो वन वॉज लिस्निंग, किसी ने सुना नहीं। भाई कबीर मिडवेल पीरियड में क्या कह रहे हैं? जाति ना पूछो साधु की। ही इज अटैकिंग कास्ट सिस्टम। अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ दिया, उसमें जो सबसे बड़ी चीज दी वो है सोशल इक्वालिटी। द अपर कास्ट ऑफ इंडिया फेल्ट द पेन ऑफ बीइंग अ लोअर कास्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। भाई गांधी जी के साथ क्या हुआ साउथ अफ्रीका में? ही वाज थ्रोन आउट। That humiliation which he faced in South Africa, he enters into the compartment, train में जा रहे, वो whites ने पूछा कि अंदर कैसे आ गए? अरे बोले I'm a barrister, I have got the ticket. अरे बोले no, you get down from here. This compartment is for upper caste. गांधी said I'm also upper caste.
बोले विच कास्ट, ही सेड वैश्य, हाँ बोले फिर भी नीचे उतरो, दिस कंपार्टमेंट इज फॉर वाइट्स, ही सेड आई एम ब्रिटिश, फेंक दे। तो गांधी जी को पेन हुआ, तो 1930 में 31 में जब वो फर्स्ट सेकंड राउंड टेबल अटेंड करके वापस आते हैं और सेकंड वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट रिवाइव नहीं होता, तो ही स्टार्ट्स हरिजन टूर। चार चीजें इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री को नेशन बनाने के लिए, पहली चीज पॉलिटिकल यूनिटी, दूसरी इकोनॉमिक, तीसरी सोशल, और चौथी फिलोसॉफिकल यूनिटी। जर्मनी गॉट कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर 1871, इटली गॉट कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर 1870, इंडिया गॉट कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर 1950, यूएस गॉट कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर 1787। अब ये जो फॉर्मूला है वो नहीं बदलेगा। आपने माओ को पढ़ा होगा, कैस्ट्रो को पढ़ा होगा, लेनिन को पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, द सक्सेस ऑफ अ रिवोल्ट, रेवोल्यूशन एंड मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, वो फॉर्मूला कभी चेंज ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। द सक्सेस ऑफ अ रिवोल्ट, रेवोल्यूशन एंड मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन, हाँ ठीक, और कोई बात, लिंकन को अगर पढ़ा होगा, अमेरिकन सिविल वॉर, क्या अचीवमेंट उस आदमी की, 7 Southern states आर आउट ऑफ द यूनियन, 7 Southern states आर आउट ऑफ द यूनियन, ही इज द फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका 1860। हिज फ्रेंड सेज टू हिम, यू विल बी रिमेंबर्ड एज अ विलन इन अमेरिकन हिस्ट्री, ही सेज नो, यू विल राइट माई बायोग्राफी, आई विल बी द सुपरस्टार। द मैन हु वॉज रिच इन three things, dareness, confidence, enthusiasm, and conceptual clarity, and he finally suppresses, he integrates America। तो वो कौन सी दो चीजें हैं जो किसी revolt, revolution और movement के success के लिए important है? एक तो बताया इन्होंने public participation। अब जब तुम Congress पढ़ोगे, जैसे मैं अभी तिलक साहब के ऊपर आऊंगा, तो जब आप Congress पढ़ेंगे तो three phase है Congress के, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, गांधी। तो 1885 कांग्रेस इज बॉर्न, हु आर द लीडर्स, मॉडरेट्स, व्हाट इज देयर अप्रोच, पिटिशन एंड प्रेयर, व्हाई, बिकॉज दे आर इन्फेंट। एक छोटे से बच्चे को अगर चॉकलेट चाहिए वो रोएगा, आप नहीं रोएंगे, वो कहेगा पापा प्लीज। In 1885, Congress is infant. So there is no inside support, there is no outside support. So what is the approach of Congress? Petition and prayer. But if you see in 1942, Congress is like you, young, mature and grown up Congress. And then in 1942, Congress says, quit India. Ki papa chocolate ki factory lagayenge. What is the reason for that change in approach? Congress is getting a strong mass support and Congress is getting a strong outside support. Ye formula. The success of a revolt, revolution and movement depends upon two things. A strong outside support and a strong inside support. You see Lenin, 1917, he is getting a strong inside support. And a strong outside support. Which country? Germany. Germany, 1917. Germany declares war against US. Germany is already fighting with Britain, France, Russia. And Germany declares war against US. Germany opens a new front. Lenin says, if Bolsheviks will come into power, they will come out of war. Hum turant war se bahar aa jayenge. That was very beneficial for whom? Germany. If Russia goes out of war, I will be free from one front. I'll take all these forces, I'll deploy on the other front.
तो जर्मनी गिव्स सपोर्ट टू लेनिन विद द बैकिंग ऑफ जर्मनी लेनिन रिटर्न्स बैक टू रशिया इसलिए इसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस नहीं नहीं इतना गंभीर होने की भी कोई जरूरत नहीं है कि अच्छा अच्छा इसलिए कहते हैं पॉलिटिकल साइंस कि अच्छा इसलिए कहते हैं सर एजुकेशन जो है ना एजुकेशन उसका बस एक ही मोटिव है मैंने कहा ना कि मैं सुबह से इन द इवनिंग यस्टरडे व्हेन द फ्लाइट गॉट कैंसल्ड तो आई वाज सो मच टेंस्ड सर मैं कहीं भी बोलने के लिए इतना ईगर नहीं था जितने मैं फर्गूसन में था पूरी रात मैं एयरपोर्ट पर रहा हूं पूरी रात 5 बजे एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कहा कि फ्लाइट्स आर स्टिल कैंसल्ड अरे मैंने कहा भैया कुछ चश्मा उसमें लगा उड़ाओ यार ऐसे थोड़ा होता है फ्लाइट्स आर स्टिल कैंसल्ड तो 6:30 पे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब आरबीआर 200 से नीचे आ रहा है आरबीआर उनका पैरामीटर है विजिबिलिटी का तो उन्होंने कहा 200 से नीचे आ रहा तो वी विल टेक ऑफ द फ्लाइट्स तो मुझे जान में जाना ही तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि शेव वगैरह बना लिए हाँ एकदम बना लिए और डाई वाई कर लिए जा रहे हैं टेंशन नहीं एजुकेशन का जो काम है ना जैसे आपके इंस्टीट्यूट में जब एक बार मैं आया यहाँ पे बड़ी अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे थे द प्ले अगेंस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भाई साहब इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस था वो ना मतलब आई सैट देयर फॉर हाफ एन आवर मैं बैठा था वहाँ हम थे फैजल साहब थे दो लोग बैठ गए थे और क्या परफॉर्म किया आपने थीम बहुत अच्छी उठाई पर हम किसी भी चीज को दो तरीके से देख सकते हैं कि महमूद गजनी ने हमें लूटा महमूद गजनी बुरा आदमी है अंग्रेजों ने हमें लूटा अंग्रेज बुरे हैं ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया दिस पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड एज एस्केपिस्ट पर्सपेक्टिव ये बड़ा स्ट्रांग पर्सपेक्टिव नहीं होता ये बड़ा वीक पर्सपेक्टिव होता द स्ट्रांग पर्सपेक्टिव इज कि हम कमजोर थे इसलिए हमें लूटा तो इंस्टेड ऑफ एम्फसाइजिंग ऑन महमूद गजनी You should write a script emphasizing your weakness. India is a golden sparrow. Prosperity cannot survive with weakness. ये again law है. Prosperity cannot survive with weakness. मैं एक आदमी है, उसकी weight है 15 kg. Paralytic है. आँख से कम दिखाई पड़ता है. और 10 करोड़ रुपए का बैग लेके सदाशिव पीठ के चौराहे पे बैठा हुआ है. और हर 5 मिनट में पैसा निकालता है, अंदर करता है, फिर बाहर रखता है. बहुत ज्यादा देर तक नहीं जिएगा प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस और एशिया में दो पैलेस है एक चाइना एक इंडिया और दोनों पैलेस के अगल बगल स्लम एरिया है अब आपका एक मार्बल का मकान है 1000 करोड़ का और आपके पास रोल्स रॉयस ऑडी बीएमडब्ल्यू पर आपके घर के चारों तरफ स्लम एरिया है सो द डे यू विल बिकम वीक द पीपल ऑफ स्लम एरिया विल जंप इनटू योर हाउस This has happened with India. Aryans, Shakas, Kushans, Huns, Turks, Mongols, Mughals, Iranis, Afghanis, and today Atangwadis. Prosperity cannot survive with. अब जब आप स्क्रिप्ट लिखो ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज आप लिखो क्योंकि आप परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रहे थे तो आप यूथ पे ध्यान दो यूथ पे कि व्हाट इज मिसिंग इन द यूथ अलाइवनेस ऑफ माइंड इज मिसिंग क्यूरियोसिटी इज मिसिंग अब इस कॉलेज को एस्टैब्लिश किया डेकन एजुकेशनल सोसाइटी ने लेकिन नाम है इस कॉलेज का फर्गूसन भाई मुंबई लैंड प्लस 1200 रुपीज 1885 जेम्स फर्गूसन और विदाउट स्टेट सपोर्ट कुछ हम कर ही नहीं सकते थे और उस आदमी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गवर्नर ऑफ मुंबई ही वाज अ वेरी गुड सोल्जर ही वाज इन आर्मी
विच रेजिमेंट? ये नहीं पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए। आपका कॉलेज है सर। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ प्रेजेंट जनरेशन स्टूडेंट इज एब्सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, एंड क्यूरियोसिटी इज द ऑक्सीजन ऑफ माइंड। तुम सब कुछ किताबों से नहीं पढ़ सकते। हिंदुस्तान में एक वर्ड दर्शन, आपके यहां डिपार्टमेंट होगा फिलोसॉफी का, तो वेस्टर्न के जो लोग हैं वो कहते हैं फिलोसफी मींस लव ऑफ नॉलेज, हम कहते हैं दर्शन, जैसे देखा, मतलब देखकर भी सीखना है। आप फर्गूसन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप जेएनयू आए हैं, आपको तो मीनार के सामने खड़े हैं, आपको क्यूरियोसिटी ही नहीं है, खड़े हैं आप, खरीदोगे? नहीं नहीं भैया। अरे तो क्यों देख रहे हो कि भैया कुतुब मीनार देखने जाना है, क्यों देखोगे? बस देखेंगे भैया, नहीं तो खरीदोगे? भाई दो ही वजह से आप कोई चीज देखने जाते हैं, या तो आप इंटरेस्टेड हैं उसकी आर्ट में, उसकी कल्चर में, उसकी स्टाइल में। आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कल्चर में। आर्किटेक्चर टेल्स यू टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग द फिलोसफी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। तो जब तुम मौर्य पीरियड पढ़ोगे हिस्ट्री में तो वहां स्तूपास मिलेंगे, तो उसका मतलब क्या है कि बुद्धिज्म वॉज डोमिनेंट इन दैट पीरियड। फिर तुम जैसे गुप्ता पीरियड में आओगे, स्तूपास विल बी रिप्लेस्ड बाय टेंपल्स। फिर तुम्हें एक मैसेज मिला कि नाउ ब्राह्मिनिज्म इज डोमिनेंट। तुम जैसे मेडिवल इंडिया में आओगे, तुमको मॉस्क दिखाई पड़ेगा, दैट मींस इस्लाम इज डोमिनेंट। ये पहला मैसेज आर्किटेक्चर। दूसरा मैसेज, किसी का घर बताता है कि उसकी इकोनॉमिक स्टेटस कैसी है। तो जब तुम कुतुब मीनार देखोगे सैंडस्टोन का, और फिर ताजमहल देखोगे व्हाइट मार्बल का, तो तुम्हें एक दूसरी बात पता चलेगी कि शाहजहां से इकोनॉमिक स्टेटस वॉज मच हायर देन इल्तुतमिश। क्यूरियोसिटी सर, आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप इतने बड़े कॉलेज के स्टूडेंट, मैंने कहा ना मैं परेशान था कि यार कैंसिल ना हो जाए यार। मैं पूना आया, मैं फर्गूसन कॉलेज घूमने आया, मैं चारों तरफ घूमा, आपकी कैंटीन में बैठा, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आगरकर साहब जा रहे, तिलक साहब उधर से आ रहे, मेरी याद है थोड़ा सा चीज़ों को विजुअलाइज करने की। अब क्यूरियो, अ माइंड विदाउट क्यूरियोसिटी इज अ डेड माइंड। आप जो कोचिंग के खिलाफ बोलते हैं ना, कोचिंग वाले शोषण कर रहे हैं, सर आपकी वजह से कर रहे हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी, आप कुछ जानना ही नहीं चाहते। आप कहते भैया हमको आईएएस बना दो, आपको मतलब एक पर्टिकुलर कॉलेज स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली, वहां का लड़का जब मेरी क्लास में बैठता है ना, तो मैं उसको सोचता हूं कि ये परेशान करेगा, क्योंकि फेमस कॉलेज है ना, द कॉलेज इज नोन फॉर इट्स लेगेसी। सब प्रेजेंट टाइम में उस कॉलेज के 15-16 कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं। हर मैं इतने सारे कॉलेज गया तो मतलब मुझे किसी कॉलेज में कुछ फील नहीं हुआ। ठीक है, अगर नॉलेज गेन कर रही है ना, तो पहले एक चीज पैदा करो, क्यूरियोसिटी, जो कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी ने पूरी तरह खत्म कर दिया। भाई मां बाप के पास टाइम नहीं है, और बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों के पास इतने और अजीब अजीब से क्वेश्चन, पापा हाउ आई वाज बोर्न, मैं पैदा कैसे हुआ था? वो पापा कहते हैं कि बेटा मैं मंदिर के सामने से जा रहा था, और भगवान जी निकले और तुम्हें दे दिए। कुछ माँ बाप तो डांट देते कि बत्तमीज कहीं का, उल्टे सीधे क्वेश्चन करते। तो यहां माँ बाप ने डांट दिया, उधर टीचर ने डांट दिया स्कूल्स में, क्यूरियोसिटी खत्म हो गई कंट्री की। सबसे माइनॉरिटी कम्युनिटी है ज्यूज, सबसे पावरफुल कम्युनिटी है बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन पॉलिसी। अब डॉक्टर अंबेडकर को एक बात समझ में आई, क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने, फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज कि नॉलेज नॉट एजुकेशन।
डॉक्टर अंबेडकर सेज कि नॉलेज इज द मिल्क ऑफ अ टाइगरेस, एनीवन हु कंज्यूम्स इट रोर्स लाइक अ लायन. क्या बात है. एजुकेशन एंड नॉलेज, नॉलेज इज द मिल्क ऑफ अ टाइगरेस. उनकी किताबें अगर आपने पढ़ी, दो जरूर पढ़िए, दो किताबें, एक बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल, जबरदस्त किताब, और दूसरा रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन इंडिया. किसी भी थिंकर को अगर पढ़ना है और समझना है तो सबसे इजीएस्ट तरीका है कि उस पीरियड की कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लीजिए. एवरी थिंकर इज द आउटकम ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड. कार्ल मार्क्स, उस आदमी को एक बात समझ में आया कि बॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मींस ऑफ प्रोडक्शन. जिसके हाथ में मींस ऑफ प्रोडक्शन वो राजा. तो उस आदमी ने ये थ्योरी दी मींस ऑफ प्रोडक्शन. उसके बाद जितने भी लोग आए सबने उस चीज को पकड़ा, मींस ऑफ प्रोडक्शन को. माओ ने पकड़ा, कैस्ट्रो ने, लेनिन, स्टालिन, सब उसी के चारों तरफ घूम रहे हैं. मींस ऑफ प्रोडक्शन कि सारा खेल मींस ऑफ प्रोडक्शन पे है. वर्किंग क्लास का मींस ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा नहीं है. तो जब वर्किंग क्लास का मींस ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा नहीं है तो वर्किंग क्लास इज नाइदर अ पॉलिटिकल पावर नॉर इकोनॉमिक पावर. एंड व्हेन एवर यू आर विदाउट पावर यू विल बी एक्सप्लॉइटेड. कभी गांव में जाओ बारिश के समय तो पानी के जो सांप होते हैं ना उनमें पॉइजन नहीं होता, उनको बच्चे निकाल के ऐसे नचाते हैं. इफ यू हैव सीन दैट सीन, इट्स अ वेरी गुड मैसेज कि इफ यू आर विदाउट पावर एंड पॉइजन यू विल ऑल्सो बी रोटेटेड. ये बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं. सबसे ज्यादा इंफोसिस जो डॉक्टर अंबेडकर का है वो है एजुकेशन पे. आप उनका डिग्रीज देखिए, पॉलिटिकल साइंस में PhD, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में दो बार और लॉ में. किसी के खिलाफ कुछ भी निगेटिव नहीं बोलते, कुछ भी, कुछ भी. बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया उन्होंने 14th अक्टूबर 1956. उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा, बुद्धा इज द ओनली प्रॉफिट इन द वर्ल्ड, ओनली हु सेज, हु इज एग्नोस्टिक, नॉट एथिस्ट, agnostic. When people used to go to him and ask about God, he used to become silent. And Buddha says, Atma Deepo Bhava. Bhai, Usman Ali, Nizam of Hyderabad, he said to Dr. B.R. Ambedkar, I will give you 2,000 crores. With your followers, you turn towards Islam. Unhone kaha, mujhe Islam se koi problem nahi hai. मुझे किसी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम है फॉलोवरों से. और फॉलोवर, आप मॉडर्न इंडिया में एक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी. सोचिए, फॉरेनर्स कमिंग टू इंडिया फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदू रिलीजन. यानी रिलीजन में कुछ बहुत जबरदस्त बात होगी. है The biggest formula of Hinduism is Dwij, twice born. हर आदमी दो जन्म लेता है, एक मां से. जब वो मां से पैदा होता है तो वो शूद्र है. Everyone, हर आदमी, who is a shudra, the person who is slave of his senses. आपको मटन की पार्टी मिली, आप 2 किलो खा गए, डायरिया हो गया आपको. डॉक्टर ने कहा कि कम खाते. बोले सर पेट तो भर रहा था, मन नहीं भर रहा था. अरे मन में भरोगे, यू डोंट हैव योर कंट्रोल ऑन योर टंग. रोल्स रॉयस कार जा रही, आपने देखा, आप देखते ही चले गए, पीछे से बस निकल गई आपके ऊपर से. अब देख लिया ना, जाने दो.
हर आदमी जो माँ से पैदा हुआ है वो शूद्र है. शूद्र मतलब अ पर्सन हु इज स्लेव ऑफ हिज सेंसेस. फिर उसकी जिंदगी में एक दूसरा आदमी आएगा, उसका गुरु, हु विल टीच हिम द मास्टरी ऑफ सेंसेस, नॉट सब्जुगेशन, मास्टरी. और यही चीज डॉक्टर अंबेडकर को सिखाई उनके ब्राह्मण गुरु ने, जिसकी वजह से उन्होंने टाइटल लिया अंबेडकर. यू सी हिम, ही इज नॉट अगेंस्ट ब्राह्मिन्स, ही इज अगेंस्ट इवल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म. अब डॉक्टर अंबेडकर को इतने मल्टीटास्क काम करने थे, फियर दूर करना था लोगों के मन से, इज्जत दिलानी थी लोगों को, एजुकेशन देना था. तो पहला ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कौन सा बनाया? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अंबेडकर. देखो कैसे कोई आदमी, प्रिपरेशन. दुनिया में आपका गोल क्लियर होना चाहिए. इफ यू डोंट हैव अ क्लियर गोल, यू विल रोम हियर एंड देयर. उनका गोल क्लियर है कि जो भी सप्रेस्ड सेक्शन है, सप्रेस्ड इंक्लूडिंग अपर कास्ट वुमेन, आपका जो प्रिंसिपल का ऑफिस है ना, वहां ऊपर 5 फोटो लगी हुई और पांचों अपने अपने फील्ड के महारथी, शिवाजी की, साम्राज्य बनाया कैसे जाता है. जमींदार का बेटा, सन ऑफ अ जमींदार, क्रिएटिंग एम्पायर. शाहूजी महाराज, यू नो मोनोपोली ऑफ एनी पर्टिकुलर कास्ट इन प्रीस्टली सेक्शन, कोई भी पूजा करा सकता है. महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, एंड देन दैट लेडी फूले. और ये 5 लोगों ने जो फिलॉसफी दी है, पहला प्रिपरेशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी एंड प्लानिंग. आपकी लाइफ में अगर प्रायोरिटी नहीं है, पहले क्या करना है? आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, आप राजनीति करने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है, तो प्रायोरिटी सेट करना है. इफ यू डोंट सेट योर प्रायोरिटीज, यू विल बी गॉन. 98% दिल्ली में लोग जो मुझे मिलते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रायोरिटीज. 7 महीने कोचिंग हो जाती है, फिर आते सर बहुत बेचैनी हो रही है, तो पैदल चले जाओ दिल्ली से पुणे तक, या तो तुम बचोगे या बेचैनी. तुम्हें बेचैनी इसलिए हो रही है, तुमने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की. अगर इस क्लास में 200 लोग बैठे हुए ना, तो एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट प्रायोरिटी. अंबेडकर का जो पहला मैसेज है ना, प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग, तो 1924 में वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन. सुने? और उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एजुकेशन इन डिप्रेस्ड क्लासेस. यही पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर ज्योतिबा फूले, कितना बड़ा काम कर रहे हो. ये कास्ट बेस्ड लोग नहीं थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज्यादा परेशान थे इसलिए उनका नाम लेते थे. बट ज्योतिबा फूले ओपन्स द स्कूल नॉट ओनली फॉर डिप्रेस क्लासेस बट ऑल्सो फॉर अपर कास्ट वुमेन. ही सेज दैट अलॉन्ग विद द डिप्रेस क्लास दे हैव ऑल्सो सफर्ड. फिर डॉक्टर अंबेडकर ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, अब देखो कैसे डॉक्टर अंबेडकर काम कर रहे हैं, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया, बोले एजुकेशन को प्रमोट करना है, पढ़ो सब लोग, ध्यान करो. जैसे ये पेट है ना, ह्यूमन बॉडी में 2 पेट होते हैं, देयर आर 2 बेलीज इन ह्यूमन बॉडी, एक ये पेट है, एक ये पेट, दोनों बेलीज हैं, और ये दोनों अपने चॉइस का खाना खाते हैं. आप में से बहुत लोगों को अगर करेले का जूस दे दिया जाए, आप नाराज हो जाएंगे. आप इसको बेली मानते ही नहीं. आपने एक नॉवेल उठाई 1000 पेज की, एक राउंड में पढ़ गए आप. यू रिमेंबर ऑल द कैरेक्टर, यू रिमेंबर ऑल द स्टोरी. पर जब हमने आपको एनसीईआरटी दी, आप 2 पेज के बाद सो गए. अगर आपको कल आईएएस बनना है, अपनी इस बेली को अभी से इंप्रूव करिए, इसकी डाइजेशन पावर को बढ़ाइए. आप यहां से दिल्ली जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पुणे में ही पढ़ेंगे, और पहले दिन जैसे मान लीजिए आप यहां 2 घंटा डेली बैठ के पढ़ते हैं, तो आपकी कैपेसिटी 2 घंटे की है. और फिर जब आप तैयारी शुरू करेंगे, एंड देन यू विल सिट फॉर 10 आवर्स. अरे सर,
सब बाउंस हो जाएगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग, फर्स्ट मैसेज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी सेक्शन, सेकंड मैसेज। पहले ऑर्गेनाइजेशन डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1924, देन ही गोज अप, एजुकेशन बनाओगे, इक्वालिटी दिलाओगे, दिलाओगे, लेकिन कैसे दिलाओगे ये चीजें, कैसे दिलाओगे? कैसे करोगे? फिर क्या किया डॉक्टर अंबेडकर ने? अरे यार, पॉलिटिकल साइंस की बेइज्जती ना कराओ यार, इतने बड़े थिंकर हैं वो। What was the next step of Dr. Ambedkar? After this repressed class association, he attends roundtable conference. He says to the British government, कि we want political share, हमको राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए और रिजर्वेशन चाहिए। तो फिर कम्युनल अवार्ड 1932, सेपरेट इलेक्ट्रेट, इसको गांधी जी ने बाद में कहा कि नहीं नहीं हम यार बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने पूना पैक्ट, यहीं पे पैक्ट हुआ। कितना परसेंट रिजर्वेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटर? 18, क्योंकि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो अगर आप संसद में बैठेंगे तो अपने लिए कानून बनाएंगे, लेकिन आप संसद में कैसे बैठेंगे, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। तो 1942 शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, प्रायोरिटी। एवरी थिंकर, हर थिंकर, एवरी थिंकर, एम जी रानाडे साहब, उनके सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? वॉट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आफ्टर 1850 विच लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर द बर्थ ऑफ इंडिया एज अ नेशन? ट्राई करो यार, वॉट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आफ्टर 1850 विच लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर इंडिया एज अ नेशन? Yes. और मैंने क्या कहा? आप थिंकर को, आप सर, आप रटने के चक्कर में रहते हो। एवरी थिंकर, एवरी इज आउटकम ऑफ बैकग्राउंड। आप उसकी बैकग्राउंड देखो, तुरंत समझ में आएगा। और सबसे, मैंने आपको कहा, सबसे अच्छा तरीका बैकग्राउंड देखने का, आप उस पीरियड, जैसे एक नॉवेल है द टेल ऑफ टू सिटीज, अगर आप वो नॉवेल पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि कम्युनिज्म पैदा क्यों हुआ। और अगर आप मदर पढ़ लें, मदर रशियन नॉवेल है, मदर, अगर आप मदर पढ़ लें भाई साहब, आफ्टर 50th पेज यू विल लीव द बुक। वेरी फेमस रशियन नॉवेल मदर, मैक्सिम गॉर्की, यू विल क्राई। अ लेडी इज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड एंड शी इज ड्रैग्ड बाय द फ्यूडल लॉर्ड। दैट वॉज द पेन ऑफ सर्फ। पूरी दुनिया में फ्यूडलिज्म का नाम सुना होगा ना, रशिया में एक दूसरी तरह का फ्यूडलिज्म था, बास्टर्ड फ्यूडलिज्म। नाम सुना कभी? लिख लो सर, आफ्टर द क्लास फाइंड आउट व्हाट वाज दिस बास्टर्ड फ्यूडलिज्म। दैट वाज सच अ बिग पेन फॉर द फार्मर्स ऑफ रशिया। उसी में किताब है मदर, आपको रशियन रेवोल्यूशन एकदम समझ में आएगा। एम जी रानाडे साहब, फिर मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, कौन सी चीज जिसने इस देश के जन्म की नींव रखी, उसके पहले तुम्हें फ्रीडम स्ट्रगल नहीं मिलेगा। यस, 1885 में वो क्यों पैदा हुई? इंटेलेक्चुअल तो बेटा पहले भी थे, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग। Kind
बेटा बहुत ज्यादा जा रहे हो। मैं ये पूछ, देखो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाइफ में हमेशा रखो, एक लाइन में पूरी बात बोलो। एक मारवाड़ी लड़की जो है, एक मारवाड़ी लड़के के साथ भाग रही थी, तो मारवाड़ी लड़की ने लड़के से कहा कि शाम को आना, मैं अपने घर के पीछे एक सिक्का फेंकूंगी, जब तुम उनका आवाज सुनना तो तुम मेन गेट पे आ जाना, फिर हम दोनों निकल लेंगे। तो लड़की ने एक कॉइन फेंका 10 रुपए का, फिर वो मेन गेट पे आई, लड़का गायब। उसने लड़के को फोन किया कि कहाँ हो, तो लड़के ने पूछा कि सिक्का किस डायरेक्शन में फेंका था। मैं सिक्का ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग दैट कॉइन। तो लड़की ने कहा, इडियट आई एम अ मारवाड़ी गर्ल, मैंने सिक्के को एक थ्रेड में बांधा था फिर फेंका, व्हेन इट मेड द साउंड आई पुल्ड इट बैक। वापस आ जा, सिक्का मेरे पास है। तुम पॉइंट पे रहो, तुम पॉइंट पे रहो। मैंने पूछा कि व्हाट वाज द इवेंट, कांग्रेस क्यों बनी, किसने बनाई कांग्रेस, इंटेलेक्चुअलों ने? नहीं, किसने? डफरिन तो उस वक्त वॉइसराय था, वॉइसराय था। हाँ ठीक है, उसका रोल था। बनाई किसने, किसकी बैकिंग है? सर जी, आफ्टर 1850s इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवल्यूशन इन इंडिया, इंडियन रेलवेज 1853, इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवल्यूशन लेड टू इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन 1854, फर्स्ट कॉटन मिल मुंबई। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री, अभी जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है इनको स्टेट का सपोर्ट चाहिए। लिट्टन कम्स टू इंडिया 1876, he brings down the import duty to the minimum level, Indian markets were flooded with foreign goods, this was an attack on the interest of Indian industrialist. तब उन्होंने भारत के एमजी रनडे वगैरह लोगों से कहना शुरू किया, यार हमारे इंटरेस्ट के लिए लड़ो यार, हम पैसा दे रहे हैं ना, विल फाइनेंस द मनी। रेवल्यूशन मूवमेंट रिवोल्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फाइनेंस। एचआरए बनी 1924, बनी एचआरए, भगत सिंह सेड कैपिटलिज्म इंपीरियलिज्म बोथ आर माय एनिमीज, व्हेन बोथ आर योर एनिमीज दे विल नॉट हेल्प यू टू रन अ मूवमेंट, यू रिक्वायर अ मनी, पैसा चाहिए। तो 1924 एचआरए, 1925 काकोरी रॉबरी, रॉबरी ऑफ स्टेट फंड्स, किसके लिए? पैसे के लिए। हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्टों ने फंड किया, फाइनेंस किया। तो एमजी रानाडे ने कहा, तुम देखो कि मॉडर्न इंडिया का दो पार्ट है, 1757 टू 1857 देयर इज नो फ्रीडम स्ट्रगल इन दैट पीरियड, 1857 टू 1947 फ्रीडम स्ट्रगल। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस दुनिया को किसने बदला, मॉडर्न दुनिया किसने बनाया? दो फोर्सेस ने, एक कैपिटलिज्म है, एक इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन ने। ईरान देखो, इराक देखो, वहां इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन है? नहीं है। फ्रांस देखो, ब्रिटेन देखो, इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन है, नेशंस है, वो सोशल इक्वालिटी है। अब फ्रांस में तुम जाओगे, लड़की जींस पहन के मिलेगी तुम्हें, काम कर रही वो, शी इज वर्किंग, she has to go into a factory, she has to go to the office, bus pakadna hai, train pakadna hai. Tum Delhi metro mein baithoge, wo bol announce karegi ki kripya apna dupatta apni saadi bacha ke rakhe, ek lady phans gayi. Ab tum socho agar lady saadi pehen le, burka pehen ke factory mein chali jaye, aur maan lo ghus gaya andar machine mein, gayi. इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन। तो एमजी रानाडे ने कहा, पूरी थॉट प्रोसेस उनकी उसी पे बेस्ड है, पूरी एक लाइन पे। मैं एक एक लाइन सारे थिंकरों के बारे में बता रहा हूं आपको, पूरी थॉट प्रोसेस एक लाइन पे बेस्ड है। इफ इंडिया वॉन्ट्स टू बिकम अ नेशन, देन इंडिया हैज टू गो फॉर इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन।
क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, पॉलिटी चेंज हो जाएगी, सोसाइटी चेंज हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना। ये इंडिया में जातिवाद क्यों है, अभी सर्वाइव क्यों कर रहा है? एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सीरिया में देखो, सिया सुन्नी लड़ रहे क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है, ओल्ड आइडेंटिटी इज अलाइव। पर अमेरिका में कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, एक नई क्लास पैदा हो गई है। जैकमा इज अ चाइनीज, अंबानी इज अ इंडियन, एंड बिल गेट इज अमेरिकन। एमजी रनडे, हिंदी में फिर कह रहा हूँ, इतना सीरियस होने की बात नहीं है। पर मुझे लगा था कि मतलब हम बहुत ज़बरदस्त इंटरेक्शन करेंगे, अगली बार करेंगे, कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर होकर आइए, कोई बात नहीं, आप हमसे एक टॉपिक ले जाइए, वेस्टर्न थिंकर्स, कार्ल मार्क्स, हीगल, बहुत मज़ा आएगा। होता क्या है ना कि अब अगर एक होता प्रवचन कि मुरारी बाबू बोल रहे हैं और हर आदमी खुश है कि हाँ आत्मा परमात्मा से मिल रही, एक होता इंटरेक्शन। व्हेन यू सिट विद द नॉलेजेबल क्लास तो यू हैव एक्सपेक्टेशंस कि तुम काउंटर करो। तिलक अल्टीमेट आदमी, मतलब अल्टीमेट कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी लोग छोटे हैं, अल्टीमेट इस सेंस में मल्टी डायमेंशनल आदमी है। 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इलिटरेट। कैसे समझाओगे कि स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट लेना है? नहीं समझा पाओगे, उनको पता ही नहीं स्वदेशी मूवमेंट क्या है। कहेंगे साहब स्वदेशी ये क्या होता है, पब्लिक को बुलाना है, यू हैव टू इनवाइट द पीपल, मास मूवमेंट करना है, बंगाल पार्टीशन का विरोध करना है। तो तिलक ने क्या किया, कल्चरल प्रोग्राम्स, शिवाजी फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल, तो लोग आते थे भीड़ में। तो तिलक ने कहा वाही गए तो नारा भी लगा दो यार। जब बाहर ही आ गया तो साम्राज्य मुर्दाबाद लगा दो, लगा दिया लोगों ने। कर्जन वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, कर्जन को पता था कि तुम नहीं ला पाओगे। 1907 सूरज स्प्लिट, मॉडर्न एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, कांग्रेस बिकेम अ डेड ऑर्गेनाइजेशन। भाई यूथ जो है, यूथ, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं, यहां पे फर्गुसन में स्टूडेंट यूनियन है? है ना? हु इज द फादर ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट इन द वर्ल्ड? हु इज द फादर ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट इन द वर्ल्ड? कहां से, किसने शुरू किया ये स्टूडेंट पार्टिसिपेशन? अरे मैं तो बहुत कुछ सोच गया था, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, नहीं अब तैयारी, अब जवाबी मुकाबला होगा अगली बार, आप भी तैयार करके आइए। ये नहीं पता, अरे माजिनी, इटालियन यूनिफिकेशन की कहानी सुनी है? माजिनी, कार्बोनारी, द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस वांटेड टू यूनाइट इटालियन स्टेट, दे वर ब्रूटली सप्रेस्ड। माजिनी सेज कि पब्लिक सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, तो ही स्टार्ट्स यंग इटली मूवमेंट, इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द गोल, दे विल डिस्पर्स टू द मासेस, डाउन फिल्ट्रेशन थियरी। उसी पे हेनरी वेवरियन डेरोजियो ने बनाया यंग बंगाल मूवमेंट, उसी पे यंग इटली मूवमेंट, यंग टर्की मूवमेंट, यंग चाइना मूवमेंट। ही इज द फादर, माजिनी। एल्डर्स दे फ्रेम द पॉलिसी, यूथ दे इंप्लीमेंट। और सूरत में क्या हुआ, यूथ बाहर हो गया, बुढ़े अब कुछ कर नहीं सकते थे, कांग्रेस मर गई। 1914 तिलक इज रिलीज्ड फ्रॉम जेल। अब देखो इंसिडेंट, थिंकर देखो, आदमी का थॉट प्रोसेस देखो, ही इज रिलीज्ड फ्रॉम जेल, तिलक
तिलक वॉन्ट्स टू री एंटर इन टू कांग्रेस, फिरोज शाह मेहता वॉज अलाइव, द ओल्ड गार्ड, सूरत में जूता उनके मुंह पे पड़ा था, तिलक ने कहा साहब हमें कांग्रेस में आना है, उन्होंने कहा हम नहीं आने देंगे। अब तिलक ने क्या किया, तिलक ने ऐसा कौन सा काम किया कि उन्हें कांग्रेस में एंट्री मिली? समझाना पड़ेगा क्या किया और क्यों किया। और जो पहला बता देगा उसको बाजीराम में फ्री एडमिशन करा देंगे। और इकरम है दोनों जगह फ्री, लिख के जाएंगे आपके वाइस प्रिंसिपल को, लिख के दे के जाएंगे आपका नाम और सिग्नेचर। ठीक, क्या हुआ उसमें? क्यों किया होम रूल लिख, क्यों किया? आंसर तुम्हारा सही बेटा, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन दे दो सही। 1.5 लाख रुपए जीत जाओगे, 1.5 दिल्ली में 70-80। हाँ एक मिनट, चलो 20,000 रुपए तो दे ही दिया तुम्हें। अरे नहीं बेटा सुनो, कभी दुनिया में तुमने किडनी पे गाना सुना है? किडनी पे, किडनी, लीवर, पैनक्रियास, सारे गाने किसमें? हार्ट पे है ना, यूटिलिटी बेटा, यूटिलिटी। इफ किडनी फेल्स यू कैन सर्वाइव ऑन डायलिसिस फॉर 10 इयर्स। किसी की भी किडनी फेल हो जाए 10 साल डायलिसिस पर रह लेगा, कोमा में चला जाए जिंदगी भर कोमा में रह लेगा, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अगर हार्ट फेल कर जाए ना इमीडिएट डेथ। जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत। अब सोचो कोरिलेट करो, कांग्रेस वॉज अ डेड ऑर्गेनाइजेशन 1914। व्हाट कांग्रेस रिक्वायर्ड? मास सपोर्ट। व्हाट एक्सट्रीमिस्ट रिक्वायर्ड? ऑर्गेनाइजेशन। इन होम रूल लीग ही शोज, ही गिव्स द मैसेज टू द कांग्रेस कि आई एम स्टिल अ मास मोबिलाइजर इन इंडिया। अब अगर तुमको ये मास चाहिए तो हमको अंदर आने दो। एंड दैट लेड टू लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, बिकॉज बोथ बिकेम यूजफुल टू ईच अदर। मराठा न्यूज़पेपर, केसरी, साथ साथ न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी मूवमेंट, आपने शायद ना सुना हो लाइब्रेरी मूवमेंट। तिलक सर थैंक यू, बस 5 मिनट और। मेरी एक एनजीओ है द्विज फॉर स्टूडेंट्स, तो उसके तहत मैं प्रोग्राम्स करता हूँ पूरे इंडिया में, तो मैं आपके प्रिंसिपल साहब से बात करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि एनसीईआरटी का एक प्रोग्राम अगर कभी मौका मिले तो हम आपके साथ करें, 12th की NCERT 12th, विपिन चंद्रा, आप हमसे 1 महीने का टाइम लो, 1 महीने का पढ़ो उसे खूब कायदे से, फिर टेस्ट दे दो। आईएएस बनना की जो चाबी है ना वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी और हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस। ये एनसीईआरटी पे कमांड, जैसे आपको जीडीपी अगर पता है तो इकोनॉमिक्स के जितने भी न्यूज है जीडीपी से रिलेटेड वो आपको समझ में आएंगी। आप जब यहां से जाओगे कहीं भी तैयारी करने, इकरा जाओगे, वजीराम जाओगे, कहीं भी जाओगे, दिल्ली जाओगे, अहमदाबाद जाओगे, तो सबसे पहले चैलेंज आपके सामने पता क्या पड़ेगा? न्यूज़पेपर, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर।
एक भाई साहब प्रोटेस्ट कर रहे थे सीएबी के खिलाफ, मैंने कहा सीएबी क्या है, बोले उबर वाले मुसलमानों को बैठा नहीं रहे। अरे मैंने कहा पागल हो यार, उबर वाले मुसलमानों को बैठा नहीं रहे, ये कौन बोला तुमको? हाँ नहीं सब लोग कैब कैब कर रहे। अरे मैंने कहा ग्रेजुएट 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 फ्रॉम कानपुर सर, मैसेज पड़ा है मेरे फोन में, जिस देश में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन हो उस देश की हालत खराब हो पॉसिबिलिटी नहीं है। एनसीईआरटी इज द की ऑफ सिविल सर्विसेज की। सर आपको कोचिंग नहीं करना मत करिए, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते कोचिंग लेकिन सिलेक्शन लेते हैं। कोचिंग आपका सिर्फ एक काम करती है, जो काम आप 15 महीने में करेंगे वो 7 महीने में करा देगी, बस। पढ़ना तो आप ही को है सर, सारी मेहनत आपको करनी, लड़ाई आपको लड़नी, सब कुछ आपको करना है। कोचिंग आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ाए रखेगी, एवरी डे टीचर आएगा वो एक आध कहानी सुना देगा तो आप थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर फाड़ डालेंगे। हाँ माँ बाप के पास इतना टाइम होता नहीं कि आपको डेली मोटिवेट करें। भाई जर्मनी में कोचिंग कल्चर नहीं है, स्वीडन में नहीं है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन इतनी स्ट्रांग है, टीचर को पसीना आया था क्लास में जाते वक्त कि लड़के तैयार होकर बैठे होंगे अभी भाई साहब ग्रिल करेंगे, टीचर शिवर करता 30 लड़कों में एंटर करने में क्लास में। हमारे यहाँ वाजीराम में 1000 लड़के क्लास में बैठे, टीचर आराम से आता है, गुड मॉर्निंग सर, 2.5 घंटे की क्लास कोई कुछ बोलता ही नहीं, ऐसे देखते। अच्छा तिलक ने यह भी कहा था सर, तिलक तिलक लगाते थे इसलिए उनको तिलक कहते थे, ऐसे क्वेश्चन पूछते। ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स, और अगरकर साहब डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस पर्सनालिटी गोपाल हरी देशमुख, लोकहितवादी क्यों कहा जाता है, बस यहीं पे क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर दूंगा, लोकहितवादी क्यों कहते हैं? चलो एक बार और दूंगा मैं तुम्हें बाद में, अच्छा ले कहा तुमने वैसे, कोई बात नहीं। ठीक है आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं एक बार सर को और मैडम को फिर से धन्यवाद दूंगा, आप सभी लोगों को थैंक यू बोलूंगा कि आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और इकरा एक प्रोग्राम चला रही है, मैं तो अटैच हूँ और मैं शिफ्ट भी कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है, पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर के पेशेंट्स होते जा रहे हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो क्लास तो दिल्ली में ही लेंगे लेकिन अब यहाँ भी रहेंगे, तो ये लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं 15 महीने का, इकरा एनसीईआरटी पर पूरा 15 मंथ 3 फेजेस में प्रोग्राम है, और 20,000 में तुम्हें दे ही चुका हूँ, तुम्हारा तो डिस्काउंट हो गया वो 20,000, तुम किसी को दे भी सकते हो अगर कोई जा रहा है वहाँ तो तुम उसे दे भी सकते हो। आंसर सही था तुम्हारा, आंसर एकदम सही था, बाकी मैं अपनी एनजीओ की तरफ से कोशिश करूँगा कि एक सेमिनार आपके साथ और हो, मज़ा आएगा, मैं आपको टॉपिक्स दे दूँगा, हालांकि टॉपिक्स आपके पास पहले भी थे पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया, अब कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, मैंने तो बड़े सारे क्वेश्चन पूछे, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बताइए। और इजी इजी क्वेश्चन पूछिएगा।
प्लीज. So my question is between Lokmanya Tilak and Gopal Shankar. They were very good friends in their early life, but in 1888 they split their path because of their difference on the priority. So do you think that this split affected the freedom movement or the growth of the Congress? Because during 1890 to 1900. We don't see any major kind of event which happened in the Indian Congress. So do you think that this split affected the See, फिर वही बातें हो गई, फिर वही पर्सपेक्टिव वाली बात हो गई कि सूरत स्प्लिट हुई, कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन दोनों मैच्योर भी हुए. आफ्टर दैट यू विल नॉट सी स्प्लिट इन कांग्रेस. तुम जब 1922 में देखोगे कि जब गांधीआइट्स एंड स्वराजिस्ट डिवाइड होते हैं तो इंटरनली अपने मुद्दे को सॉल्व करते हैं. तो ये डिवाइड हालांकि और होता क्या है ना कि इंटेलेक्चुअल्स आर नेवर फ्रेंड्स. जैसे मैं यहाँ बैठूंगा और आपके इस कॉलेज के टीचर्स बैठेंगे और वो भी कुछ बोलेंगे, मैं भी. अच्छा, डिफरेंसेस डज नॉट मीन्स एनिमिटी. डिबेट मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटेलेक्चुअल्स आर नेवर फ्रेंड्स. अगर इंटेलेक्चुअल फ्रेंड हो जाए फिर तो समाज ही खत्म हो जाए. मैंने कोई बात कही आपके सर ने तुरंत अपोज का, ऐसे नहीं. ठीक है, अपोजिशन से क्या होता है, डिस्कशन से क्या होता है कि हमें कई सारे पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं. मेजर इवेंट इसलिए नहीं हुआ कि स्प्लिट हो गई, क्योंकि आगरकर साहब वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जबकि तिलक साहब इंडस्ट्रियलिस्ट थे. यू नो इट, ही वॉज इंडस्ट्रियलिस्ट. तो फॉर हिम इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पोलिटिकल पावर शुड कम इन द हैंड ऑफ कांग्रेस. अब दोनों का इंटरेस्ट अलग है, रिलेशन किस पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पे. अगर आप एक 6 साल बच्चे के मोबाइल चेक कर रहे हैं, उसकी डीपी देखें, तो उसके डीपी में कौन होगा, मदर, पेरेंट्स होंगे 6 साल के बच्चे में, क्योंकि उसके दोनों की जरूरत है, माँ की भी बाप की भी. 16 साल के बच्चे के मोबाइल में जो डीपी होगी उसमें उसकी माँ होगी, क्योंकि वो सारा काम कराएगा अपने माँ के थ्रू कि पापा से कह दो 10,000 रुपये दे दो, गोवा जाना है. और 32 साल के आदमी के डीपी में उसकी वाइफ होगी, जिस पे एक नीचे कैप्शन होगा माय लाइफ. तो इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, रिलेशन किस पे डिपेंड, इंटरेस्ट पे. दोनों में दुश्मनी नहीं हुई, इंटरेस्ट चेंज हो गया. ठीक है, उससे नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि 1890s तक मॉडरेट्स बहुत हावी थे, फायदा बहुत हुआ. फायदा इस सेंस में हुआ कि दोनों एक्टिवेट रहे मासेस में, लोगों के साथ काम करते रहे. रैंड को जो मारा पूना में, वो एक लेडी को बच्चा हो रहा था, वहां भी यही केस था, लेडी को बच्चा हो रहा था, पूना में प्लेग फैला हुआ था. तो रैंड वॉज अ प्लेग कमिश्नर, तो ये जाता है उसके घर में, तो वहां के लोग बोलते हैं कि साहब 10 मिनट रुक जाओ फिर हम बाहर कर देंगे सबको, आप इंस्पेक्शन कर लेना. वो कहता नहीं, वो लेडी को घसीट के बाहर लाता, लेडी भी मर जाती, बच्चा भी मर जाता. तब तिलक आर्टिकल लिखते हैं मराठा में, फर्स्ट ऑफ द एडिटोरियल, फर्स्ट ऑफ फ्रंट पेज. तुम आज गूगल पे डालना उस पेपर को, न्यूज़पेपर को, मराठा ऑफ रिलेटेड टू रैंड मर्डर. तो उसका जो फ्रंट पेज है उसमें फर्स्ट हाफ में गीता का वो है मैसेज कि अगर कोई गलत काम करता है और तुम उसे मारते हो तो तुम मेरा काम करते हो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं. और सेकंड हाफ में वो इंसिडेंट. और चापेकर ब्रदर्स ने दोनों पढ़ा, तो फिर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भैया एक काम भगवान का भी कर देते हैं, रैंड को मार दिया. तो मोबिलाइजेशन इन द सोसाइटी, दोनों अपनी अपनी. अगर तिलक सिर्फ एजुकेशन पर डिपेंड कर लेते तो कांग्रेस डेवलप नहीं हो पाती. ठीक है, तो फॉर अ टाइम बीइंग दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए, एनिमिटी पैदा नहीं हुई. और कोई सवाल, बैठा है आराम से बैठो. सर, बहुत बार हमने ये सुना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है और जो बेसिक इंडियन कल्चर का एजुकेशन का वो अब अर्न नहीं रहा है, या ऐसी बहुत बातें सुनते हैं. और जब से हमें फ्रीडम मिला उस वक्त से भी आज तक बहुत लोगों ने ये कहा है, लेकिन फिर भी इतने साल होने के बाद भी या 70 साल होने के बाद भी हमारे एजुकेशन में जिन जिन बहुत अच्छे लोगों ने और जो सही कहा
था वो अप्लाई क्यों नहीं हुआ? और दूसरी बात, अब देखिए सर, ये जो कंसेप्ट है बहुत एक मिनट में इस पर बोल दूं, पहले पहला क्वेश्चन हो गया ना कि अप्लाई क्यों नहीं हुआ। हमारा बच्चा डोमिनोज में जाने में बड़ा प्राइड फील करता है, क्योंकि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, स्कूल इज अ फॉर्मेटिव फेस, और ये सारे प्राइवेट स्कूल्स दे गिव फंड टू द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा सप्लाई करते हैं। अब हमारे पास अंबेडकर जैसा पॉलिटिशियन नहीं है जो सेक्रीफाइस करेगा, पटेल जैसे पॉलिटिशियन नहीं है हमारे पास। जितने प्राइवेट स्कूल्स है ना, दे गिव सच अ बिग फंड। माई का जो कॉन्सेप्ट है, माई मेडिटेशन एंड योगा, शराब क्यों भी करेगी बाजार में? बिकॉज लाइफ इज अ स्ट्रेस। अब तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे होगे, एक चीज तुम्हारी जिंदगी में एंटर कर रही होगी, स्ट्रेस। पापा फोन करते होंगे कि बेटा मेरा बीपी बड़ा हाई रहता है और गुड़िया की शादी करनी, और थोड़ा जल्दी से कुछ करो। मिल रहा है स्ट्रेस? अब उस स्ट्रेस को कैसे निकालोगे? या तो ध्यान करो, योगा करो, भस्त्रिका करो। एवरी स्टूडेंट शुड डू भस्त्रिका फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। आप कोई नशा नहीं करेंगे। नशा करता ही आदमी इसीलिए क्योंकि उसको स्ट्रेस है। किसी को मजा आता है सिगरेट पीने में? उस पर फोटो बना रखी है, लंग्स बना रखा है, स्कॉर्पियन बना रखी है, दिखा रखा है कि कैंसर हो रहा है, फिर भी लोग पी रहे हैं। स्ट्रेस। तो वेस्ट को यह बात कैपिटलिज्म को बहुत अच्छी तरह पता थी कि अब जिम चलाना है तो सलमान खान को शर्ट उतार के बॉडी वॉडी दिखाएंगे। क्या होता है ऐसे बॉडी से, एक हाथ मार दो बेहोश हो जाए। जो स्ट्रेंथ अंबेडकर में है इंटरनल, वो किसी जिम से नहीं आती। अ पर्सन वॉज आस्क्ड टू सिट आउटसाइड द क्लास एवरी डे। अभी मैं आपको ह्यूमिलिएट कर दूं, आप दोबारा मुझसे नहीं मिलेंगे। ही वॉज ह्यूमिलिएटेड एवरी डे। यू कैन इमेजिन द इनर स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन। कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। लंदन की लाइब्रेरी में बैठते थे, एक पैटिस जेब में रख के बैठते थे, खाने का पैसा नहीं होता था, फिर लंच के टाइम में ऐसे सर रख के उस पैटिस को खाते थे, पानी पीते थे। एक दिन लाइब्रेरियन ने पकड़ लिया, ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी। तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन को बताया कि सर मेरे पास पैसा नहीं होता कि मैं खाना खा लूँ। पहले नहीं बताया, पहले जाके नहीं रो रहा कि साहब मैं गरीब घर से आ रहा हूँ, मेरी फीस में आ गया, ऐसा कुछ नहीं। सीधा इनर स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन, कि हम गरीब थोड़ी है। मैं अभी यहाँ धर्माधिकारी ट्रस्ट है पुणे में, वहाँ क्लास लेने गया था, तो बच्चे बेचारे सब जमीन पर बैठे थे। मुझे पहली बार मैंने देखा यूपीएससी प्रिपरेशन के लड़के जमीन पर बैठे, तो मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा यार, तो उन लोगों ने कहा कि सर हमारे सब गरीब घर के बच्चे। मैंने कहा दोबारा मत कहना। तो बाई चांस वहाँ पर एक फोटो लगी थी शिवाजी और गुरु रामदास की, तो मैंने उन लड़कों से पूछा इसमें अमीर कौन है, तो बोले गुरु रामदास। मैंने कहा ये तो कपड़ा ही नहीं पहने। हमें उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ाई गई। हमें बताया गया कि मर्सिडीज मीन्स वेल्थ। नो, गांधी के पास कौन सी मर्सिडीज है? पुरुषोत्तम दास ठाकुर, चेयरमैन ऑफ फिक्की, 1927 कम्स टू मीट हिम इन साबरमती आश्रम। ही वॉज फोर्स टू सिट फॉर 4 आवर्स। 4 घंटा बाहर बिठा रखे, बोले चरखा चला रहे। इसको बोलते हैं वेल्थ। तो होता क्या है ना कि जब प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ, प्राइवेटाइजेशन के फायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत है। तो प्राइवेट स्कूल्स आने शुरू हुए, और खासकर हमने जैसे रेयान इंटरनेशनल है, तो वो बाहर का वो लॉबी है, तो अब वो क्या करेंगे? वो तो अपना ही कल्चर प्रमोट करेंगे ना। भाई मेरी बेटी को क्लास टीचर ने कहा कि तुम ये हमारा यूपी में एक डिश होती है लोकल, जैसे आप यहाँ भाकरी वगैरह खाते हैं, तो वहाँ पे बाटी चोखा होता है। तो स्कूल लेके गई बाटी चोखा, तो टीचर ने कहा कि अरे यू आर बीइंग ट्रेडिशनल फूड इन द क्लास। तो मैंने टीचर को जाके बोला, मैंने कहा मैडम प्लीज, यही खा के बहुत लोगों को मारा हम लोगों ने। ड्रेस, ड्रेस, आपको लगता है आप जीन्स पहन लेंगे तो आप स्मार्ट लगेंगे, आप मॉडर्न लगेंगे? आप मॉडर्न लगेंगे अपनी थॉट प्रोसेस से। हमारे कंट्री में क्या है कि हम ड्रेस देखते हैं, फूड स्टाइल, चाउमीन खा रहे। फूड डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी, आपका जो फूड है। मैं तो यहाँ आता हूँ पुणे महाराष्ट्र, तो मुझे एक दिक्कत होती है, यहाँ के लोग यार वो चिलीज बहुत खाते हैं। वो हमारा एक दोस्त है, वो रेड चिलीज तो खाने में ही रख लेते हैं।
कहते टेस्ट होता है, अरे मैंने खा ले तू टेस्ट। अब गुजराती को अगर इतना सारा चीनी डाल दोगे वो तो भाग जाएगा, वो तो दाल में चीनी डालता है। अ ड्रेस ऑफ अ पर्सन एंड अ फूड ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। तो उसके पीछे वजह यह रही कि आपने पार्टिसिपेशन लेना बंद कर दिया, आपने राजनीति से, आप तो दूर चले गए राजनीति से। अगर फर्गूसन कॉलेज का प्राइम मिनिस्टर हो कंट्री का तो वो तो जानेगा ना आगारकर को और अंबेडकर को, तो उस तरह की पॉलिसी बनाएगा। आप तो प्राइम मिनिस्टर किसी को भी ले आते तो भाई दिक्कत तो होगी। आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, आप जाइए ना, आप सिलेक्शन लीजिए, आईएएस की तैयारी करिए, आप बनिए डॉक्टर, बनिए कुछ भी बनिए, आइडेंटिटी क्रिएट करिए कंट्री में, इलेक्शन लड़िए। पार्लियामेंट में भी अच्छे ही लोग जाएंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चला कौन रही है, पार्लियामेंट। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा अच्छी होती है क्योंकि गवर्नमेंट जनता से चुनकर आती है, इसलिए गवर्नमेंट पे कभी कोई कमेंट नहीं हो सकता। फिनिश। और कोई बात? नो वन। चलो अच्छा है। हाँ नहीं, जैसे आप फर्गूसन में आते हैं तो आपको जेम्स फर्गूसन के बारे में जानना है। मैं भूल गया तो उस वक्त मेंशन करना, दैट मैन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द विक्ट्री ऑफ इंग्लैंड इन क्रीमियन वॉर। आज जाके पढ़ना क्रीमियन वॉर, उस आदमी ने क्रीमियन वॉर में इतना बड़ा रोल रहा उस आदमी को, उसने अपनी जान लगा दी। द एंटायर विक्ट्री ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस इन द क्रीमियन वॉर इज बिकॉज ऑफ दिस मैन जेम्स फर्गूसन। और रेजिमेंट कौन थी? ग्रेनेडियर। कहां के थे? स्कॉटलैंड। तो अब तुम इतना बड़ा, इतने बड़े कैंपस में आते हो, तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं कि फर्गूसन साहब कौन थे? कॉलेज हिंदुस्तान का खड़ा किया डेकन एजुकेशनल सोसाइटी ने। आप सामने का बोर्ड देखो, उस पर नीचे लिखा है एस्टैब्लिश्ड बाय डेकन एजुकेशनल सोसाइटी 1885। तो जब हमने खड़ा किया तो दूसरे का नाम क्यों दे रहे? तो कोई रीजन होगा। तो फिर कौन है ये आदमी? ये है क्यूरियोसिटी जी। बैठ जाओ यार, खड़े होकर कुछ मत पूछो। देखो प्रियम्बल कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व, ठीक। तो इस देश का असली राजा कौन? मैंने तुमसे कहा अपनी आंखें फोड़ लो आईएएस बन जाओगे, और तुम फोड़ लेते हो। जब राजा ही बेवकूफ है तुम सोच के देखो यार इन बातों को। व्हाई टू ब्लेम पॉलिटिशियंस? हम उनकी गलती क्यों दें? मैंने आपसे कहा दोनों आंखें फोड़ लो भैया, आईएएस बन जाओगे, और यहां से भी दिखाई पड़ने लगेगा बाद में। बड़ा सा कर लीजिए कोई बात। पैसा कमाना। अरे सिंपल सी बात है यार। अब मैं तुम्हें एक आइडियल जवाब दे दूं कि मैं, हम एक सेवा करने, कोई सेवा वो नहीं करता दुनिया में। ये तो बात ही गलत हो गई। लेकिन कुछ लोग पैसे लेके भी सेवा नहीं करते, बात वहां गलत है। पैसा लिया ठीक किया। बहुत सारे लड़के, मैं यहां कई सारे लड़कों से मिला जिन्होंने कोचिंग कर रखी है, कहा कि साहब हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। हमने कहा तुम्हें किसी ने मारा नहीं, इकरा में आप मार भी खाएंगे। इकरा की बड़ी अच्छी फैसिलिटी ये है कि अगर आप जब तक एनसीईआरटी के विंग में हैं और आप काम नहीं करते, यू विल बी बीटन।
आपको आप मारे जाएंगे, क्योंकि हमारा काम है, हमारी आदत है प्रेशर में वर्क करने की। हमारी समाज में भाई बचपन से मां बाप का प्रेशर, फिर हम कॉलेज में आए तो प्रेशर खत्म हो गया, और 10 घंटा एवरीडे का शेड्यूल होना चाहिए। तो वहां एक नई फैसिलिटी ये है कि आपको मार पड़ेगी अगर आप काम नहीं करेंगे। अगर आप मार से बचना चाहते हैं पैसे दे दीजिए, जैसे आपने होमवर्क नहीं किया तो जितनी बार आपने होमवर्क नहीं किया 1000 रुपये दे दीजिए, किसी को तो फायदा हो भाई, आपको नहीं हो रहा, हमें तो हो। तो 10 लोग क्लास में होमवर्क करके नहीं लाए, 10000 रुपये मिल गया, हम आराम से कॉन्ट्रैक्ट में बैठ कर डिनर कर रहे हैं आराम से, आप रो रहे हैं। तो उस रोने की वजह से आप दोबारा पढ़ के आएंगे, बस यही है जी। सर मेरी रिक्वेस्ट है, आपने एक अपने लेक्चर में एक बार मतलब ये अलग सब्जेक्ट है लेकिन पूछ रहा हूँ कि कार्ल मार्क्स को कुछ लोगों ने पूछा था कि हम पुअर क्यों हैं, तो वो जो एक इंसिडेंट है वो क्या आप बताएंगे? नहीं नहीं, उन्हें लोगों ने पूछा कि हम पुअर क्यों हैं, तो उसने कहा आपके पास पावर नहीं, ना इधर इकोनॉमिक नॉट पॉलिटिकल। वही तो मींस ऑफ प्रोडक्शन का जो डायग्राम मैंने बनाया उस डायग्राम में, उस लेक्चर में, यू सी दैट डायग्राम, मैंने डायग्राम बनाया है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर किसके पास? फ्यूडल लॉर्ड्स। मॉडर्न वर्ल्ड में किसके पास? मुकेश अंबानी के पास। आज दुनिया का राजा कौन है? कैपिटलिस्ट। अंबानी साहब इस देश के असली राजा अंबानी साहब हैं। उनका खुद का मकान 8000 करोड़ रुपए का, उनकी बेटी की शादी हुई उसको उन्होंने एक मकान गिफ्ट किया 1000 करोड़ का हाजी अली के सामने। उनकी वाइफ को बदले था उन्होंने 500 करोड़ का गिफ्ट दिया अपनी वाइफ को। जो आदमी 2000 करोड़ का गिफ्ट दे रहा है, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ चला जाए, कितने मेंबर हैं पार्लियामेंट में? 545। कल वो बुला लेंगे सबको, क्या हो चाय की पार्टी दे दे और रख देंगे 5000 करोड़ रुपए सामने। और पॉलिटिशियंस हमारे ज्यादातर धोती पहनते, ज्यादा पैसा आता उसमें खोल के रख लिया, पैसा लेके चले, परसों नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा सर। ये मार्क्स ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, ना इकोनॉमिक पावर है ना पॉलिटिकल, और जिसके पास पावर नहीं है वो एक्सप्लॉइट होगा। आपने किसी को देखा रिक्शा वाले को गुड मॉर्निंग करते हुए? कोई नहीं करता। अभी अमित शाह जी आते हम सब जाके दोनों सर पावर। जो हमें पहली चीज सिखाई जानी चाहिए वो ये है कि द फर्स्ट थिंग इज पावर, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल। मैं तुम्हें अपना वो दे दूंगा ईमेल आईडी, तुम सारा क्वेश्चन उस पर डाल देना। मेरा क्वेश्चन ओके, तो मैं फिर से आप सब लोग को थैंक यू कह रहा हूँ मैनेजमेंट। इट इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू समराइज सच अ